मैं एक बार फिर आपके पास एक छोटे से वीडियो को लेकर आया हूँ। एक अनोन जगह जो नोन भी अनोन भी है। आप देख रहे हैं कितना सुंदर जगह है, प्रकृति है, शांति है, वातावरण है, नीला पानी है, पहाड़ है, झील है, सब कुछ है, लेकिन बिल्कुल ही सूना। मैं अकेला खड़ा हूँ रोड पर, बिल्कुल वीरान सा रोड है, टूटा फूटा, फिर भी शांति अद्भुतपूर्ण है। आपको जाने के लिए बहुत एक्साइटमेंट होगा कौन सी जगह है, जहाँ इतना सब कुछ है लेकिन ट्रैफिक बिल्कुल जीरो है, रोड पर कोई नहीं है, आवागमन बिल्कुल ही शून्य सा है, दूर दूर तक हरियाली है। मैं रोड पर चुपचाप खड़े होकर मैंने एक लड़के को पकड़ा जो साइकिल से जा रहा था, उससे मैंने कहा मेरा वीडियो बनाओ, और वही मेरा वीडियो इस मोबाइल से बना रहा है और मैं आपके सामने ये पेश कर रहा हूँ। एक बार फिर मैं अवधेश कुमार सिंह, ट्रेवल ब्लॉगर, आपके सामने हूँ एक अननोन डेस्टिनेशन जहाँ गलती से मैं चला आया उसके बारे में बोलने के लिए। आप शायद जगह नहीं पहचान पाए, ये जगह है वाई के पास धोम डैम। धोम डैम एक जगह है, गांव है, और वहाँ पर एक अर्दन डैम है जो कि महाबलेश्वर से लेकर वाई सारे जगहों में पानी पीने के लिए और सिंचाई के लिए देता है। वो अर्दन डैम करीब 40 किलोमीटर रेडियस में अपने रिजर्वायर में पानी को छिपा रखा है, चारों साइड पहाड़ों से घिरा हुआ है और वही उसका कैचमेंट इलाका है। अब देख रहे होंगे चारों साइड पहाड़ है और बीच में झील सा झील नुमा जगह बन चुका है। यहाँ लोग नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और शहर से दूर है, पतली सी रोड है, वो भी कुछ अच्छा, बाकी टूटा फूटा हुआ सा। ज़्यादातर लोग महाबलेश्वर की चले जाते हैं और यहाँ शायद ही कोई आता हो। इसी झील के आसपास एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग हुई है, काफ़ी जगह, काफ़ी स्पॉट में, इसलिए जगह की थोड़ी मान्यता मिल गई। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी प्रथा है कि कोई फिल्म स्टार आ जाए, कोई हीरो आ जाए, या कोई बड़े संत या महात्मा आ जाए तो जगह पूजनीय हो जाती है और उसके पहले से कोई इज्जत नहीं होती है। तो अभी कुछ कुछ लोग चले आते हैं शाहरुख खान के नाम पर कि चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग हुई है, चलो जगह को देख लें। तो मैं तो इसलिए नहीं आया, मैं तो ऐसे ही देख रहा था गूगल में, तो मुझे डैम दिखाई पड़ा। डैम देखने पहुंचा तो मुझे जगह अच्छी लगी और मैं लगातार बढ़ता रहा, मैं घंटों बढ़ता रहा और चलता गया। बीच बीच में कुछ कुछ अच्छे मकान रिसोर्ट सा दिखाई पड़े, ऐसा दिखाई पड़ रहा होगा आपको। मैंने लोगों से पूछा भाई क्या है, उन लोगों ने बोला, ग्रामीणों ने, यहाँ कभी कभी बॉम्बे से या पूना के बड़े बड़े लोग आते हैं और कस्टमाइज्ड डे ट्रैकिंग करते हैं या कैंप स्टे करते हैं, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है, तो यहाँ पर बोटिंग होती है और लोग पिकनिक भी मनाने आते हैं और उनके लिए इंतज़ाम किया जाता है, ऐसा उन्होंने बताया। मुझे जगह इसलिए अच्छी लगी कि कोई आता नहीं है और शांति है, काफ़ी पीस है और चारों साइड पीली पीली घास पहाड़ों पर घूम रही है। मैं एक जगह पहुंच गया लास्ट में शायद, जहां देखा कि कोई बोर्ड भी रखा हुआ है जैसा दिखलाई पड़ा था आपको, और कुछ सामान भी दिखलाई पड़ा रखा हुआ है, शायद बोटिंग होती होगी। आप देख रहे हैं बोट रखा हुआ है, यहाँ पर टारपलिन से कुछ सामान वन ढका हुआ था, तो मुझे लगा शायद यहाँ लोग आते होंगे, बोटिंग करते होंगे। काफ़ी अच्छी जगह है, आपको YouTube में वीडियो नहीं मिलेगा, मैं चूंकि अकेला चलता रहता हूँ तो मुझे दिखलाई पड़ा, मैंने वीडियो डाल दिया। मैं फिर आप पर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो देख रहे हैं आप फिर फ्रेंड से मेरे वीडियो को शेयर करें, ये फ्री सब्सक्रिप्शन है। मेरा केवल उद्देश्य है कि मैं जो काम कर रहा हूँ इस उम्र में जब लोग घर में बैठे रहते हैं, मैं कहीं कहीं जाता हूँ, घूमता हूँ, तो मैं तो इसलिए कर रहा हूँ कि इनकरेजमेंट मिले और मुझे अच्छा लगे, और इनकरेजमेंट सबको चाहिए, हर आदमी को इनकरेजमेंट चाहिए। तो अगर नहीं भी सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो मैं तो बढ़ता रहूँगा, वीडियो डालता रहूँगा, क्योंकि मैं इसके बाद नेक्स्ट विजिट में और जगह जाने वाला हूँ। आप देख रहे हैं सामने बिल्डिंग दिखाई पड़ रहा है, छोटा सा बिल्डिंग है, इसके आसपास मंदिर उंदर भी काफ़ी है, मंदिर और दिखाई पड़ रहा होगा आपको।
तो मैं अपने फ़ोन से वीडियो ले रहा हूँ चलते हुए, इसलिए थोड़ा सा जर्क भी महसूस हो रहा होगा। आप देख रहे हैं कि दूर दूर तक कुछ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ही शांति है। तो जिसको इस तरह का जगह पसंद है वह आ सकता है, पानी का इंतज़ाम है, अगल बगल में गांव वाले भी हैं जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतज़ाम कर सकते हैं। आप जो चाहिएगा आपके लिए इंतज़ाम भी कर देंगे। तो बहुत अच्छी जगह है और जाए दूर नहीं है। लोग महाबलेश्वर का सफ़र कर लेता है लेकिन यहाँ आने से डरता है, पर शायद लोगों को पता नहीं है, लोग डरते कम है, पता नहीं है, पता होने से ज़रूर आते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे घास का मैदान है, बिल्कुल पीली पीली घास हवाओं में लहरा रही है। ये अक्टूबर का फर्स्ट वीक का वीडियो है। हवा में गर्मी है हल्की सी, लेकिन हवाओं मौसम में थोड़ी गर्मी है, हल्की ह्यूमिडिटी है, बस इतनी अच्छी ठंडी हवाएं हैं कि बड़ा मज़ा आ रहा है। पीछे एक मंदिर दिखाई पड़ रहा है, शांत बिल्कुल। मंदिर से 50-100 फीट पर डैम का पानी है, रिजर्वायर का पानी है, बिल्कुल नीला। तो मैंने तो सोचा है कि अब कभी आऊँ तो मंदिर में ही पूरा शाम बिताऊँ, पूरा दिन और शाम बिताऊँ यहाँ, और कुछ दोस्तों के साथ आऊँगा और मंदिर में पूजा भी करूँगा और यहीं पर शाम बिताऊँगा और फिर घर वापस चला जाऊँगा। ये पूना से मात्र 150-160 किलोमीटर दूर है, सेंट्रल पूना से। मैं चूँकि पिंपरी में रहता हूँ तो ज़्यादा दूर नहीं, 130-140 किलोमीटर, 50 किलोमीटर है, तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। जितनी खूबसूरती दिखाई पड़ रही है, डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, लेकिन ये उसके लिए जो प्रकृति को प्यार करता है, जो शहरीकरण की ओर आकर्षित होते हैं उनके लिए महाबलेश्वर है। बट जिनको नेचर पसंद है, शांति पसंद है, झील पसंद है, हवा पसंद है, पेड़ पसंद है, अच्छे रास्ते पसंद हैं, तो उसको अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट की, मेरे चेहरे पर पसीना और गर्मी दिखाई पड़ रही होगी, फिर मुझे अच्छा लगा। ये जगह जो देख रहे हैं गंदी सी जगह दिखाई पड़ रही है, ये फिल्म की शूटिंग में काफ़ी गंदा किया हुआ है और आज भी गंदगी पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर शायद चेन्नई एक्सप्रेस का 2-4 शॉट लिया गया था, इसलिए लोग यहाँ रुक जाते हैं और गंदा करके चले जाते हैं। हम लोग अच्छी जगहों गंदा करना अच्छी तरह से जानते हैं। प्लास्टिक चारों साइड फेंका हुआ था, किसी ने बॉदर नहीं किया कि साफ़ किया जाए। चूँकि ओपन फॉर ऑल है तो लोग आते हैं और फेंक फाँक के प्लास्टिक चले जाते हैं। बट मैं तो काफ़ी एंड तक गया तो वहाँ काफ़ी अच्छी सफाई है और वहाँ कोई समस्या नहीं है कैंपिंग के लिए। तो अगर आपको जाना हो जगह तो गूगल में धोम डैम देख लीजिए, धोम अर्दन डैम है, और आपको जगह मिल जाएगा। तो इस तरह के वीडियो आपको देखना है और अच्छे अच्छे वीडियो देखना है और अननोन जगह का देखना है, कुछ कुछ ऐसी जगह हैं जो कि कम पॉपुलर हैं लेकिन अच्छी हैं, तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। लाइक सब्सक्राइब कुछ कमेंट लिखेगा और अच्छा लगेगा। और ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे लगता है शायद मैं यूट्यूबर सबसे बुढ़ा हूँ, 61 का कोई यूट्यूबर शायद ही होगा जो पर्सनली बाइक से या कार से चल के वीडियो डालता होगा। तो इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपसे विदा लेता हूँ और शेयर सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शेयर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।